राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल हमीरपुर में कार्यरत टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ के सभी सदस्यों का कोरोना सैंपल भरे गए। स्कूल परिसर में ही 52 लोगों के रैपिड टेस्ट किए गए, जिनकी रिपोर्ट देर शाम तक आ जाएगी। गौरतलब है कि स्कूल की एक महिला कर्मचारी के बाद एक टीचर कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसको लेकर स्कूल प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सभी के टेस्ट करवाने का निर्णय लिया। बाल स्कूल हमीरपुर में 2 लोगों के कोरोना संक्रमित होने के बाद आज स्कूल परिसर में ही अन्य लोगों के कोरोना सैंपल भरे गए। स्कूल प्रधानाचार्य नीना ठाकुर ने बताया कि कुछ दिन पहले एक महिला कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद एक अन्य टीचर की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसको देखते हुए स्कूल में कार्यरत टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ के सभी सदस्यों के टेस्ट करवाने का निर्णय लिया गया, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि आज स्कूल परिसर में ही 52 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 4 दिन पहले हमारी एक पीएन पॉजिटिव आई थी, जिसको लेके एक चेन बनती नज़र आ रही थी, क्योंकि वर्किंग आवर्स में 2 दिन तक वो स्कूल में रही, उसको सिम्टम्स कोई ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जब टेस्ट करवाया गया तो फिर वो कोविड पॉजिटिव आ गई। तो उसको लेके फिर एक उसके बाद नेक्स्ट डे एक लेक्चरर हैं, वो भी पॉजिटिव आ गए, तो फिर लगा कि कोई चेन ना बन जाए और घरों तक ये इन्फेक्शन हम ना ले जाएँ। तो हमने हेल्थ डिपार्टमेंट वालों से रिक्वेस्ट करके अपने ही वेन्यू पे सारे स्टाफ मेंबर्स की टेस्टिंग जो है वो करवा रहे हैं, ताकि अगर ऐसा है तो घर में भी एहतियात बरती जाए और आम भी और लोगों को भी इस चीज़ का पता चले। 42 हैं आज जिनकी टेस्टिंग के लिए हमने बुलाया।